इंसुलिन के कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी समय से मोमेंटम में भी है कुछ स्टॉक राहुल ऐड करेंगे पावर एंसिलरी से स्टॉक्स लाइक कलपत्रु हो के आई हो uh, जहाँ पर थोड़े से रिस्ट वॉर्ड फेवरेबल हो तो चार्ट पे स्ट्रक्चर तो डिसेंट लग रहा है बट जनरली पावर सेक्टर इज लुकिंग मच बेटर देन पावर एंसिलरी इफ यू आस्क मी पावर सेक्टर को क्वाइट सम टाइम हम रेकमेंड करते आ रहे हैं टाटा पावर्स Uh, जैसे स्टॉक्स तो पावर सेक्टर एज अ होल्ड में आपको एक लेवल दे सकता हूँ टाटा पावर की अगर हम बात करें तो uh, आज एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है बट अराउंड 255 के आसपास फिर से लॉन्ग जा सकते हैं चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर पावर सेक्टर अभी भी ठीक uh, ठाक ही लग रहा है पावर की बात हमने कई बार की है और इनफैक्ट अब 263 लेवल्स पर आ भी क्या है कि ये एक स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए टाटा टेली का आई पी ओ आने और एक और अनलिस्टेड स्पेस भी कंपनी है जो जल्दी लिस्ट हो रही है जिसका फायदा मिलेगा और वैसे ही पावर स्पेस चल रहा है और प्राइवेट पावर प्लेयर्स ज्यादा चले भी नहीं है इसलिए इस पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए ठीक है तो ये तो बात हुई टाटा पावर की लेकिन होटल स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स है जिनमें आज एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और इनफैक्ट हालांकि मोमेंटम अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको जो बड़ी पॉकेट्स है उनमें तो है लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अदर स्टॉक्स आल्सो फर्टिलाइजर स्टॉक में भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूव और लगातार ये स्पेस भी चल रहा है फर्टिलाइजर से कुछ ऐड करेंगे आप अक्षय सुमित मूलचंदानी हमारे सुमित फर्टिलाइजर स्पेस से कुछ ऐड करेंगे आप देखिए आप दोनों तीनों स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे तो चंबल फिर भी एक हमें अच्छा ऑप्शन लग जोन था वहां पे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ पे आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ थ्री हंड्रेड एंड फॉर द टारगेट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड थर्टी चंबल फर्टिलाइजर को लेकर ये लेकिन